आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्सरेट टीसी जेल के बारे में और इस दवाई की पूरी डिटेल हम समझेंगे कि किन कंडीशंस में इसे उपयोग में लिया जाता है और किन कंडीशंस में इसे डॉक्टर अवॉइड करने के लिए बोलता है। ये सारी जानकारी हम इसी वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज और काफ़ी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी। मार्केट में अलग अलग ब्रांड की दवाइयां आती हैं, ये अपने राइट साइड में आप देख सकते हैं। उन्हीं में से एक ब्रांड है नेक्सरेट टीसी जेल। देखिए, इसके कंपोजिशन की बात करें, क्योंकि कंपोजिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी दवाई के लिए, उसी का ही एक्शन हमारे शरीर में देखने को मिलता है। देखिए, इसमें पाया जाता है क्लिंडामाइसिन और ट्रिटिनोइन। देखिए, ये क्लिंडामाइसिन और ट्रिटिनोइन का ही एक्शन जो है हमारे शरीर में देखने को मिलता है। और देखिए, ये जो है एक जेल है, एक क्रीम है जिसे अप्लाई किया जाता है टॉपिकली। तो देखिए, सबसे पहले इसके उपयोग समझ लेते हैं। देखिए, पेशेंट डॉक्टर के पास में आता है अपनी समस्या लेके। वो ये नहीं बोलता कि डॉक्टर साहब मुझे ये परेशानी है, आप मुझे दवाई दे दीजिए, ऐसा नहीं होता। वो अपनी परेशानी बताता है, अपने सिम्टम्स बताता है। इस केस में देखिए, ये जो दवाई होती है इसमें क्लिंडामाइसिन और ट्रिटिनोइन पाया जाता है। ये एक्ने में यूज होती है, फुंसी अगर किसी को है चेहरे पे, कहीं पर भी स्किन पे, तो उस कंडीशन में इस दवा का उपयोग किया जाता है। देखिए, चेहरे पर स्पेशली कई लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। कई पेशेंट्स जो होते हैं वो डॉक्टर को बताते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा फुंसियाँ रहती हैं चेहरे पे, और ये स्पेशली 18 साल से लेके 30 साल तक बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, और हर एज में थोड़ी थोड़ी समस्या देखने को मिलती है फुंसियों की। तो ये जो फुंसियों की समस्या होती है, पेशेंट जब डॉक्टर के पास में आता है तो डॉक्टर चेकअप करता है और इस जेल का उपयोग बताता है पेशेंट को। अब देखिए, कई पेशेंट पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब ये काम किस तरीके से करती है। देखिए, क्लिंडामाइसिन जो होती है वो एक एंटीबैक्टीरियल दवाई होती है, जो हमारे त्वचा पर बैक्टीरिया की इंफेक्शन की वजह से हुई फुंसियों को रोकती है। और किस तरीके से रोकती है ये समझना जरूरी है। देखिए, ये क्या करती है, बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम होता है जो उसके सर्वाइवल को बढ़ाता है, तो उसे रोकती है ये दवाई। 50S राइबोसोम को रोकती है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ हमारे शरीर में रुक जाती है। इसके अलावा देखिए, इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ पाया जाता है ट्रिटिनोइन। ये पदार्थ क्या करता है, हमारी सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है और फुंसियाँ और भी जो डैमेज होते हैं, काले धब्बे होते हैं छोटे छोटे, उनको रोकता है। क्योंकि देखिए, फुंसी होने के बाद में जब फुंसी सही होती है तो उसमें काले धब्बे रह जाते हैं और वो परमानेंट भी कई पेशेंट्स में रह जाते हैं, तो उसे रोकने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। तो ये जो ट्रिटिनोइन होती है वो क्या करती है, सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाती है और पुरानी सेल्स को हटाने का काम करती है, डेड सेल्स को हटाने का काम करती है और उनके प्रोडक्शन का, न्यू प्रोडक्शन का जो है इंक्रीज करती है। इसके अलावा देखिए, जो चेहरे पर चमक लाना और चेहरे को टाइट रखने का भी जो है ये काम करती है। ये जो ट्रिटिनोइन होता है ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है लोकली स्किन के ऊपर, कोलेजन को बढ़ाता है, तो उससे क्या होता है, झुर्रियाँ और भी जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं सही होती हैं इस दवाई के उपयोग से। इसके अलावा देखिए, पिगमेंटेशन जो है वो कम होता है। पिगमेंटेशन से क्या होता है, चेहरे पर थोड़ा डार्कनेस आती है, तो पिगमेंटेशन को ये दवाई कम करती है, तो चेहरे पर चमक आती है। तो इस तरीके से इसका एक्शन जो है हमारे स्किन के ऊपर देखने को मिलता है। देखिए, इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं वो हम समझ लेते हैं। देखिए, जैसे स्किन इरिटेशन है, रेडनेस है, ईचिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, इसके अलावा ड्राइनेस है और जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा देखिए, थोड़ा रेडनेस हो सकता है, हल्की स्वेलिंग आ सकती है। देखिए, ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जो देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर पेशेंट में ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, मगर किसी किसी पेशेंट में ये साइड इफेक्ट्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, अगर पहले एलर्जी हुई है इस दवा से तो वापस इस दवा का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा पहले कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस या कोई डिजीज़ है एंटीबायोटिक से रिलेटेड, तो भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, प्रेगनेंसी है तो भी इस दवा का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो ट्रिटिनोइन होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, तो इसलिए प्रेगनेंसी में ये इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग में इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए, और स्किन की अगर रिएक्शन है पहले से ही बहुत ज़्यादा तो भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, वैसे ये दवाई टॉपिकली यूज़ की जाती है तो जनरली सेफ होती है, मगर फिर भी इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी डॉक्टर के लिए इस दवा को प्रिस्क्राइब करते टाइम। देखिए, मार्केट में अलग अलग ब्रांड से दवाई आती है। जैसे हमने आज नेक्सरेट टीसी के बारे में समझा, जिसमें ट्रिटिनोइन और क्लिंडामाइसिन है, तो सिमिलरली
जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर ट्रेट सी है, तो इसमें के अंदर भी यही पाया गया है, ट्रेटिनोइन और क्लिंडामाइसिन। तो कंपोजिशन अगर सेम है तो एक्शन भी सेम देखने को मिलेगा, कंपनी कोई भी हो सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे रेटिनो ए सी जेल है, तो ट्रेटिनोइन और क्लिंडामाइसिन जेल ही इसके अंदर पाई गई है। तो देखिए, हमने आज समझा कि ये जो दवाई है क्लिंडामाइसिन और ट्रेटिनोइन से मिलकर बनी हुई है, इसका जो कंपोजिशन है मैंने आपको बता चुका हूँ। देखिए, डब्लू डब्लू का मतलब होता है वाटर, वाटर 1%, तो ये इसका कंपोजिशन होता है। इसके अलावा देखिए, ये एक्ने में यूज़ होती है, फुंसी के लिए ये जो दवाई है यूज़ होती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।